चमियां बना रहे हैं हेल्दी अपम। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ ले रहे हैं एक छोटी कटोरी बेसन। सेम साइज की कटोरी में हमने लिया है सूजी। आलू को कद्दूकस करके वॉश करके वो इसमें ऐड कर रहे हैं। नमक ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून ऑयल मिक्स करते हुए इसमें हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमको बैटर को पतला नहीं होने देना है, हमें बैटर को थोड़ा गाढ़ा रखना है यहाँ पर, बिल्कुल इसी तरह। अब इसे हम कवर करके साइड में रख देंगे 10 टू 15 मिनट्स के लिए। साथ में हम ले रहे हैं एक छोटा टमाटर चॉप किया हुआ, छोटा ऑनियन चॉप किया हुआ, थोड़े से हरा धनिया चॉप किए हुए, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। हमारा बैटर अच्छे से सेट हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा हो गया ये। अब इसमें हम सब चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, अनियन, हरा धनिया, टमाटो, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, चाट मसाला। आपको जो भी चीज़ें पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो। काफ़ी गाढ़ा हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा वाटर। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं मीठा सोडा। हमारा अपम पैन गर्म हो चुका है, पैन को अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे। अब स्पून की सहायता से थोड़ा थोड़ा बैटर हम इसमें डालते जाएंगे। बीच में हम कुछ पीसेस डाल रहे हैं चीज के, बच्चों को चीज बहुत पसंद आती है। चीज को इस तरह बैटर से कवर कर लेंगे। अब इसे कुक होने के लिए रख देंगे 3 to 4 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। एक बार और ग्रीसिंग करेंगे ऊपर की साइड को क्रिस्पी बनाने के लिए, टर्न करेंगे। अब इसे फिर से लो फ्लेम पर 3 to 4 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रखेंगे ताकि दोनों साइड से क्रिस्पी बने। इसे आप चटनी के साथ, हमस के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं, इसे एक बार आप जरूर ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।